हमें चाय पीनी चाहिए या फिर नहीं पीनी चाहिए, इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर डाली गई हैं, और कई लोगों का मानना है कि चाय हमें नहीं पीनी चाहिए, या फिर चाय एक तरह के जहर है, या फिर ये अंग्रेज़ों की ड्रिंक है, वगैरह वगैरह। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इनको हमें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। बट मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आपको बेतहाशा चाय पीनी चाहिए या फिर आपको सुबह से शाम तक चाय पीनी चाहिए। दरअसल अगर आप ज़्यादा चाय भी पियेंगे तो उसके नो डाउट आपको काफ़ी सारे नुकसान आपको मिलेंगे, और ये बात सिर्फ चाय पर ही लागू नहीं होती। आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, जैसे दूध हो गया या फिर कोई भी ताकत की चीज़ है, अगर आप उसकी ओवरडोज कर देते हैं, अगर आप उसको ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, तो बेशक आपको उसके भी नुकसान मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में लिया गया अमृत भी जहर का काम करेगा। तो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक कुमारी का आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, और आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि अगर आप अपनी चाय के अंदर ये दो इंग्रेडिएंट्स जो मैं बताने जा रहा हूँ वो डाल देंगे, तो आपकी अगर बीपी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई समस्या है, या फिर दूसरी अगर आपको अर्थराइटिस की कोई समस्या है, तो ये जो दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा चाय के अंदर डालने के लिए, उनको डालने के बाद में आपको चाय के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, और आपकी जो बीमारी है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एक प्लांट बताया गया है हार श्रृंगार, या फिर जिसको पारिजात कहते हैं, आपने अक्सर ये वाला प्लांट देखा भी होगा। इस प्लांट के जो बेनिफिट बताए गए हैं वो ये हैं कि इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो आपकी स्वेलिंग को कम करने की मदद करती है, जो आपके जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो शरीर में आपकी गंदगी होती है, उसको निकालने में आपकी मदद करती है, आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन डेवलप हो गया है उसको ठीक करने में आपकी मदद करती है। तो अगर आप अपनी चाय के अंदर, या फिर अगर आपको आपके अर्थराइटिस या फिर घुटनों से रिलेटेड कोई समस्या है, उनके अंदर स्वेलिंग रहती है, उनके अंदर पेन होता है, तो पारिजात के जो पत्ते बताए गए हैं, या फिर पारिजात के जो फूल बताए गए हैं, या फिर उसकी छाल बताई गई है, अगर आप अपनी चाय के अंदर उसकी हाफ स्पून उसके पत्तों की या फिर आप उसकी छाल की डाल देते हैं और उसको अच्छे से पका लेते हैं। पकाने का मतलब ये है कि पहले आप अपने पानी को बॉईल कीजिए, उस पानी के अंदर ही आप पारिजात के जो पत्ते हैं, या फिर उसके जो फूल हैं, या फिर उसकी जो छाल आप यूज़ करना चाहते हैं, उसको अगर आप डाल लेते हैं, वो डालकर अच्छे से जब वो उबल जाए, और उसमें आपने जो चाय पत्ती डाली हुई है, जब वो अच्छे से उबलने के बाद तैयार हो जाए, तो उसके अंदर आपको दूध डालना है, और साथ में अगर आप इसमें दो इलायची भी डाल देंगे तो आपके इसके बेनिफिट और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको अर्थराइटिस की समस्या है, तो पारिजात के जो भी पत्ते, फूल या फिर छाल बताई गई है, उसका आप यूज़ करें अपनी चाय के अंदर। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह से शाम तक इनको डालकर चाय पीते रहेंगे, आपको सिर्फ एक लिमिट में, हद से ज़्यादा आपको सिर्फ दो चाय पीनी है, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो आपको उसके साइड इफेक्ट भी मिलेंगे। दूसरा, दालचीनी के अंदर कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज बताई गई हैं जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है, आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन है तो उसको दूर करती है, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से फ्री रेडिकल्स को दूर करती है। तो बीपी शुगर के जो पेशेंट है, अगर वो अपनी चाय के अंदर जो दालचीनी बताई गई है उसकी 1/4 टीस्पून अगर आप उसके अंदर दालचीनी की डालते हैं अपनी चाय के अंदर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे आपकी बीपी से रिलेटेड समस्या में, आपके कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड समस्याओं में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो दो इंग्रेडिएंट्स आज मैंने बताए, तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बट एक लिमिट अमाउंट में। चाय को भी आप लिमिट कर दीजिए अगर आप चाय के थोड़े शौकीन हैं, अदरवाइज आप चाय को अगर अवॉइड ही करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भले ही इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो लेकिन इसको कहीं भी आयुर्वेद में ऐसा नहीं बताया गया है कि चाय पीने के ये बेनिफिट होते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि ताकि आपकी जो आदत है चाय पीने की, उसके आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट ना मिले, और आपको उसके अंदर कुछ चीज़ें डालने के बाद में कुछ शायद उसकी अच्छी प्रॉपर्टीज भी आपको मिले। तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, आपके जो भी प्रश्न आप मुझे कमेंट करें।